लोगों के मन से जो बातें निकल करके आ रही हैं, उससे क्या लगता है कि हमारा बिहार बदलेगा कि नहीं? देखिए, जरूर बदलेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। बिहार के जो लोग हैं वो लोग बेवकूफ नहीं हैं, लोगों में बहुत समझ है। यहाँ अब निचले स्तर पे जब लोगों के साथ आप बैठते हैं, बात करते हैं, वो गरीब हो सकते हैं, उनके पास रोजगार नहीं हो, नौकरी नहीं हो, खेती नहीं हो, लेकिन राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। इस मिट्टी की वो ताकत है, जैसे गुजरात के लोगों को बिजनेस की समझ है, वैसे यूपी बिहार में लड़कों को राजनीति की समझ है। मैं जब गांव देहात में जाता हूँ, ऐसे व्यक्ति जिसको देखकर आप बिल्कुल, जो दैनिक मजदूरी का काम करते हैं, जिनके घर में शायद दो वक्त का खाने का भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर बहुत अच्छी, और मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी उनकी सोच है। इस चीज को जगाया जा सकता है, इस चीज को जगाकर समाज को जोड़ा जा सकता है। ये आईने पर पड़े हुए धूल की तरह है। बिहार में लोगों में कमी नहीं है, व्यवस्था ने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। लोगों को एक बार एहसास हो जाए कि नहीं, एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें वो बराबर के साझेदार या हिस्सेदार हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आईने पर पड़ी हुई धूल की तरह अगर इसको हटा दिया जाए तो आईना चमकता हुआ आपको दिखेगा। मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है, मेरा संकल्प है, विश्वास है कि बिहार की भूमि में, इस मिट्टी में वो ताकत है, यहाँ के लोगों में वो समझदारी है कि लोग चाहे जितना भी कह ले कि यहाँ जाति है, ये है, वो है, लोग नहीं समझेंगे। लेकिन मेरा अपना अनुभव पहले का भी रहा है, मैं उसको आंकड़ों के माध्यम से बताता रहा हूँ, लेकिन पिछले 25 दिन से तो मैं बिल्कुल ही समाज के साथ ही रहता हूँ, घर नहीं जाता हूँ, सर्किट हाउस होटल नहीं जाता हूँ, गाड़ी पर नहीं बैठता हूँ। 25-26 दिन मुझे हो गए, मैं 24/7 समाज के साथ ही रह रहा हूँ, और वो मेरा विश्वास, मेरा आकलन, मेरा अनुमान, अगर उसमें कुछ हुआ है तो सुधार ही हुआ है। मैं और दृढ़, मेरा निश्चय हुआ है कि बिहार के लोगों में वो समझ है, उनको समझ है कि इस चीज को बेहतर होना चाहिए, और इसको बेहतर करने के लिए उनको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। उन एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, एक विकल्प की जरूरत है, इस बात की जरूरत है कि कोई उनको साथ में, एक साथ लाए। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा अभियान हमने शुरू किया है और जो जन समर्थन आप देख रहे हैं, मैंने कोई दल नहीं बनाया है, मैं किसी को पार्टी नहीं ज्वाइन करा रहा हूँ, मैं किसी को बस भेजकर बुला नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक 8 बजे से हम लोग शुरू करते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, लोग अपने से पैदल चलकर आते हैं। महत्व संख्या का नहीं है, महत्व इस बात का है कि लोग स्वेच्छा से, खुद से बात सुनकर समझकर आते हैं, मिलना चाहते हैं, प्रश्न करते हैं, अपनी शंकाओं को साझा करते हैं, अपनी जो धारणाएं हैं उसके विषय में प्रश्न करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब शुभ लक्षण है, कम से कम जिस विचार को, जिस बात को लेकर मैं चला हूँ उसके लिए शुभ लक्षण है। मेरा विश्वास है कि इससे अच्छा रिजल्ट आएगा।